हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराग और स्वागत है आप सभी का वीडियो मैपिंग सीरीज के सेशन नंबर 24 में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। आज हम ऑस्ट्रेलिया के कंप्लीट फिजिकल फीचर्स देखेंगे, साथ में देखेंगे पॉलिटिकल फीचर्स और करंट अफेयर्स भी देखेंगे और एंड करेंगे हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ में। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो मैपिंग सीरीज फॉलो कर रहे हैं, यू विल एमर्ज एज अ टॉपर इन सॉल्विंग MCQs asked in various competitive exams based upon India and world mapping. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन देखेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं इंडियन ओशन इसके वेस्ट में लोकेटेड है, वहीं पैसिफिक ओशन इसके ईस्ट में लोकेटेड है और ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, इसे आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है और ये छठा सबसे बड़ा देश है विश्व का। और आप देख सकते हैं ये एशिया से दक्षिण में लोकेटेड है, वहीं अंटार्कटिका से उत्तर में लोकेटेड है, वहीं दक्षिणी अमेरिका से पश्चिम में ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। हम इस वीडियो में फोकस करेंगे ओनली अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड सब्सिक्वेंटली अगले वीडियो सेशन में हम देखेंगे द रिमेनिंग आइलैंड्स लाइक न्यूजीलैंड एंड द आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन सराउंडिंग ऑस्ट्रेलिया। तो आगे मूव करते हैं और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से फेमस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स गुजर रहे हैं। आप इस मैप से देख सकते हैं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक क्रूशल लैटिट्यूड जो गुजर रहा है ऑस्ट्रेलिया के एग्जैक्टली मिडल से। और अगर हम स्टेट्स मार्क करें कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा है, ये सबसे पहले गुजर रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से, फॉलोड बाई नॉर्दर्न टेरिटरी और अंततः ये क्वींसलैंड से गुजर रहा है। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ही लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर अलाइस स्प्रिंग्स, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी का एक शहर है और ये क्रूड के लिए और नेचुरल गैस के लिए बहुत फेमस सिटी है। मकर रेखा में एक और क्रूशल इंफॉर्मेशन, मकर रेखा बना रही है सदर्न मोस्ट बाउंड्री ग्रेट बैरियर रीफ का। ग्रेट बैरियर रीफ हमें मार्क करना है, ये सबसे बड़ा कोरल रीफ है विश्व का, लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। तो इतना काफ़ी है इन्फॉर्मेशन अबाउट मकर रेखा एंड ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित फिजिकल फीचर्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वाटर बॉडीज सराउंडिंग ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं पश्चिम से इंडियन ओशन ऑस्ट्रेलिया को सराउंड कर रहा है और इसी का पार्ट तिमोर सी और अराफुरा सी नॉर्थ से सराउंड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, अलॉन्ग विद गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। गल्फ एक वाटर बॉडी होता है सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाई लैंड पोर्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। तो नॉर्थ में वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट सी का, तिमोर सी, अराफुरा सी एंड गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। वहीं पूरब में पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है कोरल सी और इसी कोरल सी में लोकेटेड है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसका दक्षिणी मोस्ट, जिसका सदर्न मोस्ट बाउंड्री बना रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने अभी बताया था मकर रेखा। इसके अलावा अगर दक्षिण में मूव करें तो पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है तास्मान सी, जो कि सेपरेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड कंट्री से। और तास्मान सी के पश्चिम में लोकेटेड है एक छोटा सा आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का, तस्मेनिया। और ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट आउट है बाय अ नैरो वाटर पैसेज कॉल्ड एज बॉस स्ट्रेट। बॉस स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है इनफैक्ट तस्मान सी को इंडियन ओशन से। स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो दो बिगर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाटर बॉडीज सराउंडिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं मेजर फिजिकल फीचर्स। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एक मेजर फिजिकल फीचर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन सिस्टम है और ये ऑस्ट्रेलिया का पूरब का कोस्ट लाइन को फॉलो कर रहा है पैरेलली। और इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट कोससको, और इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट कोससको है। वहीं पश्चिम में अगर फोकस किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पार्ट पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया से भरा हुआ है। डेजर्ट एक ऐसा फिजिकल फीचर जहाँ पे नेट प्रेसिपिटेशन यानी बारिश कम होती है, एवापोरेशन ज़्यादा होता है, पानी की कमी रहती है डेजर्ट के रीजन्स में। और आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ग्रेट सैंडी डेजर्ट, वहीं इसके साउथ में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और इनके बीच से गुजर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आप देख सकते हैं। वहीं ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के पूरब में सिम्पसन डेजर्ट,
तो ये फेमस डेजर्ट्स हैं। इसके अलावा गिब्सन डेजर्ट भी लोकेटेड है इस जगह पे, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के साउथ में नलारबर प्लेन। नलारबर का मतलब होता है ट्रीलेस प्लेन। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पार्ट पूरा का पूरा ड्राई एरिया है, सूखा ग्रसित क्षेत्र है, और इस रीजन को एक और नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलियन आउटबैक। यहाँ पे पॉपुलेशन इनफैक्ट रेसाइड करता ही नहीं है, बहुत कम शहर हैं जहाँ पे यहाँ लोग रहते हैं। एंड थर्ड क्रूशल फीचर अपार्ट फ्रॉम द डेजर्ट एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज द रिवर प्लेन्स ऑफ न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पे दो रिवर्स का फ्लो है, यहाँ पे मर्रे एंड डार्लिंग रिवर सिस्टम्स हैं। ये मर्रे डार्लिंग रिवर सिस्टम न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के इंटीरियर पोर्शन को अरेबल लैंड में कन्वर्ट करती हैं और यहाँ कुछ खेती हो सकती है। इसके अलावा एक और क्रिटिकल फीचर ग्रेट आर्टिशन बेसिन। ग्रेट आर्टिशन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। आर्टिशन बेसिन का मतलब होता है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत हाई प्रेशर पे है अंदर के रॉक्स में। तो ये थे मेजर फिजिकल फीचर्स। एक क्रूशियल ऑब्जर्वेशन आप बना सकते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट में सरफेस वाटर बॉडीज लैकिंग है, और केवल एक क्रूशियल वाटर बॉडी है लेक आयर, जो कि लोकेटेड है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला टॉपिक पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल कंट्री है और यहाँ पे स्टेट्स के नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले पश्चिम में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया यानी साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा नॉर्दर्न टेरिटरी, ये स्टेट नहीं है, इनफैक्ट ये संघ शासित प्रदेश है, दैट इज यूनियन टेरिटरी है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स आदिवासी अबोरिजिनल्स रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आप देख सकते हैं क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये मेजर स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया के। अलॉन्ग विद दैट तस्मेनिया एक सेपरेट स्टेट है और ये एक आइलैंड भी है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। कैनबेरा एक संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। इन शॉर्ट स्टेट्स और यूटीज के अगर नेम देखें तो स्टेट्स में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड तस्मेनिया। वहीं यूनियन टेरिटरीज में नॉर्दर्न टेरिटरी एंड कैनबेरा। कैनबेरा के पहले मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल मेलबर्न रहा करता था। मेलबर्न विक्टोरिया स्टेट का कैपिटल है, बट कंट्रोवर्सी के बाद कैपिटल शिफ्ट करके कैनबेरा को कैपिटल घोषित किया गया। तो ये है पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन अंटार्कटिका में भी आता है, इसको हम लोग सेपरेट मैप में देखेंगे। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेज एंड सिटीज। ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस है वर्ल्ड में ऑल बिकॉज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो चलिए देखते हैं मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले कैलगुडली एंड कुलगाड़ी, ये प्रेजेंट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और ये गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। इनफैक्ट यहाँ गोल्ड सरफेस पे ही लोकेट किया गया है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही एक और जगह है पिलबारा। पिलबारा आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है और यहाँ से पोर्ट हेडलैंड से ये आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा अलाइस स्प्रिंग्स जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी में है, वो बहुत फेमस है क्रूड एंड नेचुरल गैस के लिए। और अगर क्वींसलैंड पे फोकस करें तो यहाँ पे बॉक्साइट के बड़े डिपॉजिट्स मिले हैं और ये मिला है केप यॉर्क पेनिनसुला में। केप यॉर्क पेनिनसुला मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक जगह है वीपा। इसके अलावा ब्रिस्बेन जो कि कैपिटल है क्वींसलैंड का, यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स पाए गए हैं और यहीं पे इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी अदानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा कोल एंड लिग्नाइट डिपॉजिट्स मेलबर्न में भी पाए जाते हैं। और जहाँ तक न्यू साउथ वेल्स की बात है, न्यू साउथ वेल्स में लेड एंड जिंक डिपॉजिट्स पाए गए हैं। एंड लास्टली ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड फेमस है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स है यूरेनियम का, और यूरेनियम के अच्छे खासे माइंस साउथ ऑस्ट्रेलिया में लोकेट किए गए हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कलगुडली एंड कुलगाड़ी में गोल्ड डिपॉजिट्स, पिलबारा में आयरन ओर, पोर्ट हेडलैंड से आयरन ओर एक्सपोर्ट, इसके अलावा अलाइस स्प्रिंग्स में क्रूड एंड नेचुरल गैस, इसके अलावा यूरेनियम डिपॉजिट्स साउथ ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा लेड एंड जिंक न्यू साउथ वेल्स में, और मेलबर्न और ब्रिस्बेन में कोल डिपॉजिट्स। ब्रिस्बेन के कोल डिपॉजिट्स में अदानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट,
और अगर मेजर सिटीज़ देखें हम लोग ऑस्ट्रेलिया के, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कैपिटल पर्थ, ये बहुत फेमस है फ्रूट्स कल्टीवेशन और फ्रूट एक्सपोर्ट के लिए। इसके अलावा एडिनेट जो कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा सिडनी जो कि न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है, ये सबसे बड़ा सिटी है ऑस्ट्रेलिया का और सबसे बड़ा पोर्ट। इसके अलावा मेलबर्न जो विक्टोरिया का कैपिटल है, ये भी फेमस है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और साथ में ये फेमस है वीट एक्सपोर्ट्स के लिए। और मैंने अभी बताया ब्रिस्बेन जो कैपिटल है क्वींसलैंड का, ये फेमस है कोल डिपॉजिट्स के लिए और ये भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा होबार्ट जो तस्मेनिया कैपिटल है, ये एप्पल एक्सपोर्ट्स के लिए फेमस है। इसका मतलब है तस्मेनिया में एप्पल कल्टीवेशन होता है। एंड लास्टली माउंट ईसा एक शहर है क्वींसलैंड में, ये एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर है। तो ये फेमस सिटीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर्थ में फ्रूट कल्टीवेशन, पर्थ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंड एडिलेड जो कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। इसके बाद मेलबर्न जो कि विक्टोरिया में है, यहाँ पे वीट एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। और इसके अलावा सिडनी जो कि न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है, ये बिगेस्ट सीपोर्ट, बिगेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन पॉपुलेशन। और इसके अलावा ब्रिस्बेन कोल डिपॉजिट्स के लिए फेमस, कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड। एंड होबार्ट जो कि तस्मेनिया कैपिटल है, ये एप्पल एक्सपोर्ट्स के लिए फेमस है। एंड लास्टली माउंट ईसा एक शहर क्वींसलैंड का, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर है विश्व। इसके अलावा एक छोटा सा शहर है केम्स जो कि कोरल सी के कोस्ट पे है, यहाँ पे कोरल रीफ्स के रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलियाज रिसोर्सेज एंड सिटीज़। ऑस्ट्रेलिया की अगर रीजनल ज्योग्राफी फोकस करें तो दो बेल्ट्स देखने बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहला है ग्रेट आर्टिशन बेसिन, मैंने फिजिकल फीचर्स में मार्क करवाया था। ये ग्रेट आर्टिशन बेसिन एक ऐसा बेल्ट है ऑस्ट्रेलिया का जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई है, एंड दैट टू एट हाई प्रेशर। ये अंडरलाइंग रॉक्स हैं जिनके कारण यहाँ लॉक हो गया है पानी, और यही वजह है ये हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं एक वेटलैंड से भी। वेटलैंड एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे मिट्टी यानी सॉयल में हमेशा पानी या नमी बनी रहती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड रीजनल जोन जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक पर्पस से, वो है मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन। आप देख सकते हैं ये विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स स्टेट में मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन लोकेटेड है। मुर्रे साउथ से आ रही है, वहीं डार्लिंग रिवर नॉर्थ से आ रही है, और मुरुम्बिकजी रिवर भी कंबाइन कर रही है इन रिवर्स में। एंड फाइनली ये एडिलेड के पास इंडियन ओशन में फॉल कर रही है। ये मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन इरिगेशन के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और इसी ने ऑस्ट्रेलिया के वीट कल्टीवेशन को सपोर्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया वीट एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, साथ में ऑस्ट्रेलिया में मेरीनो शीप भी पाई जाती है। मेरीनो शीप ये एक ऐसी भेड़ है जिसका ऊन बहुत हाई क्वालिटी का होता है, एंड मेरीनो शीप ओरिजिनली स्पेन से यहाँ लाई गई थी। आज के समय ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स है वीट का भी और वूल का भी। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट मर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन एंड ग्रेट आर्टिशन बेसिन। आगे मूव करते हैं, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में रेलवे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। आप देख सकते हैं पर्थ सिटी को कनेक्ट कर रहा है ये रेलवे सिडनी सिटी से, यानी वेस्ट एंड ईस्ट रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कनेक्टेड वाया अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। इस पे कुछ मेजर शहर हैं कैलगुडली एंड कुलगाडी जो मैंने अभी मार्क करवाया था, गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए बहुत फेमस हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा एडिलेड एक जंक्शन है। इसके अलावा ब्रोकन हिल न्यू साउथ वेल्स में ही आता है, और ये लेड एंड जिंक के लिए बहुत फेमस है डिपॉजिट्स के लिए। और उसके बाद लास्टली सिडनी तक ये जा रहा है रेलवे लाइन। इसका एक ब्रांच ऑफ शूट निकल भी रहा है अलाइस स्प्रिंग्स के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पोर्शन में लोकेटेड है। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स 2019 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए थे, क्योंकि इस फायर्स ने डिवास्टेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा का पूरा नेचर, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड क्वींसलैंड जैसे स्टेट्स में। इनफैक्ट सिटीज़ तक डिस्ट्रॉय हो गई, और यहाँ का जो एंडेमिक पॉपुलेशन है कैंगरू
ग्वाला, इन सब का मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ द बुश फायर्स। इनफैक्ट कहा गया है 500 मिलियन एनिमल्स मारे गए हैं इसमें, और वो भी एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि इसमें केवल मैमल्स की गिनती की गई है, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स की गिनती नहीं की गई है, रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स और बर्ड्स की गिनती नहीं की गई है। ये अपने आप में बता रहा है कितना बड़ा डेवास्टेशन हुआ है इस बुश फायर के कारण। इन बुश फायर्स के पीछे वेरियस रीजंस हैं, सबसे बड़ा रीज़न है नेचुरल ड्रॉट विच अकर्स एवरी ईयर इन द समर सीजन, लेकिन इसके अलावा मैन मेड फायर्स भी हैं इन रीजन। और आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूरे कंटिनेंट में डॉटेड हैं फायर्स के प्लेसेस, स्पेसिफिकली विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड स्टेट्स में। और 2019 का सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन फायर के कारण न्यू साउथ वेल्स के स्टेट में हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के कारण कहा गया है कार्बन एमिशंस बढ़ गए हैं और इनका असर लॉन्ग टर्म आएगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ऑलरेडी सी लेवल राइज कर रहा है और ये कार्बन एमिशंस कितना तेज करेगा सी लेवल राइज को, ये देखना अभी बाकी है। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स 2019। एंड करते हैं सेशन को विद प्रोबेबल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ग्रेट बैरियर रीफ के किस पोर्शन में स्थित है? इट्स इन द सदर्न मोस्ट पोर्शन, दैट इज सदर्न बाउंड्री बना रहा है ये ग्रेट बैरियर रीफ का। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा कोरल रीफ है अपॉन अर्थ, और इसे हमें सेपरेट एक वीडियो में देखना है, कोरल रीफ्स प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग इज अ टर्म गिवन टू द डेथ ऑफ कोरल्स, जब कोरल्स की डेथ हो जाती है। और ये कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी में बहुत हाई एनरिच्ड इकोसिस्टम है। सेकेंड, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहाँ पे है और क्यों फेमस है? ये है क्वींसलैंड में प्रेजेंट, और यहाँ पे वाटर टेबल बहुत हाई है, ऑल बिकॉज ऑफ द लॉकिंग अप ऑफ वाटर इनसाइड रॉक्स। थर्ड, मर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन का लोकेशन कहाँ पे? न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, मर्रे रिवर एंड डार्लिंग रिवर विद मुरुम्बिजगी रिवर कंबाइंड टू गिव द ओनली कल्टिवेटेड एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एकमात्र जगह जहाँ खेती पॉसिबल है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, कोरल ब्लीचिंग 2017 में हुआ था। यस, सबसे पहला कोरल ब्लीचिंग का एपिसोड 1998 में नोटिस किया गया। इसके पीछे बड़ा कारण था ग्लोबल वार्मिंग, और 2017 में एक और बड़ा एपिसोड देखा गया। कहा जाता है 1/3 कोरल्स खत्म हो चुके हैं ग्रेट बैरियर रीफ में। एंड लास्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स 2019। हम लोगों ने अभी देखा न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड क्वींसलैंड, ये मेजर अफेक्टेड स्टेट्स। इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट न्यू साउथ वेल्स। आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के मेजर सिटीज़ सब के सब कोस्ट पे हैं, या तो वेस्ट कोस्ट पे या ईस्ट कोस्ट पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर का पोर्शन जिसे आउटबैक कहते हैं वहाँ रहने लायक कंडीशंस नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉट बेल्ट है। और अगर हम लोग कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट यानी पूरब का समुद्री तट ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग रहने के लिए, यहीं पर बड़े शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग में इतना ही सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।